सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल सिद्धार्थ। तो आज हमारे पास आ चुका है VH102 नियो, जो कि नॉइस की तरफ से बॉक्स आता है, तो इसी का करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए के बजट में मिल जाएगा, और 1000 रुपए की रेंज में आपको ये नॉइस का बड्स मिलता है। वो वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, सभी टेस्टिंग करेंगे, कॉलिंग साउंड और म्यूजिक की भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, और चलिए चलता है। बात करें बॉक्स की, तो ये आइस ब्लू कलर का प्रोडक्ट है जो हमने मंगवाया, और ये प्राउडली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। तो इंडिया का ही प्रोडक्ट है, चाइनीज चाचू लोगों का माल नहीं है, तो आसानी से आप इसको वंदे मातरम मोड़ के यूज कर सकते हैं। बात करें बॉक्स के अंदर मिलने वाले कुछ आइटम की, तो सबसे पहले आपको ये बड्स मिल जाता है। सबसे पहले इसको करते साइड में, और उसके बाद आपको ये डिब्बी मिलती है जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप एंड ये केबल मिल जाता है। और चेक करें और अंदर, तो आपको ये स्टिकर मिल जाएगा जो कि नॉइस की तरफ से कहीं पे भी चिपका सकते हो, और बाद में आपको लास्ट में ये कार्ड मिल जाता है। तो सबको करते साइड में, करते हैं इस बड्स की बात। बड्स को बाहर से देखोगे तो एकदम छोटू सा लगने वाला है, पीछे की साइड से कुछ इस प्रकार दिखने में लगेगा, और अंदर अगर आप खोल के देखो तो कुछ इस प्रकार का इंटीरियर आपको देखने में लगने वाला है। और इसका जो ईयर टिप से इसका डिजाइन जो, इसको फ्लाई बड्स डिजाइन बोलते हैं जो कि कंपनी का कहना है। और अंदर के साइड में कुछ इस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने में लगने वाला है। मेरे को पर्सनली बताऊं तो काफी अच्छा लगा, और इसका जो कलर है वो आइस ब्लू कलर है, और इसमें आपको 5 टाइप के कलर्स अवेलेबल रहेंगे जो कि आप देख सकते हो साइड में। और ईयरबड्स का डिजाइन कुछ इस प्रकार रहेगा, देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको माइक देखने में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बड्स रहेगा जो कि फिटिंग में एकदम कंफर्टेबल रहने वाला। और बात करें डिजाइन की, तो मेरे को पर्सनली काफी अच्छी इसकी डिजाइन लगी। साइज में काफी छोटा बड्स है, बट मजबूती में एक नंबर बोलना चाहूंगा मैं इसको। बात करें इसके अंदर मिलने वाले फीचर और बैटरी की, तो बैटरी में आपको अप टू 40 आवर का प्लेबैक मिल जाएगा, और आप इसको 10 मिनट चार्ज करो तो आपका 1 घंटे जैसा जो अंदर का ईयरबड्स है वो चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1000 रुपए के बजट में आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाता है इसके अंदर। बात करें इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स के लेन देन की, तो इसके अंदर आपको ENC टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन रहेगा। आजू बाजू का जो हल्का सा शोर वगैरह होगा उसको, साउंड को कम कर देगा। और इसके अंदर आपको 11 mm के ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो की 1000 रुपए के सेगमेंट में आपको अच्छे खासे बेस प्रोड्यूस करवाएंगे। और इसमें आपको अप टू 50 mAh की लो लेटेंसी देखने के लिए मिलेगी जो की 1000 रुपए के सेगमेंट में आपको ठीक ठाक से। और इसमें आपको IP5 वाटर रेजिस्टेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि जिम वालों के लिए और वर्कआउट करने वालों के लिए बेस्ट रहने वाला है। और जिन लोगों को एकदम बैलेंस साउंड पसंद है, म्यूजिक पसंद है, ज्यादा उतना बेस वाला म्यूजिक पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए बड्स एकदम परफेक्ट रहने वाला है। और आपको ये बजट में ऐसे साउंड क्वालिटी और म्यूजिक क्वालिटी लगभग ही कोई बड्स आपको दे पाएगा। बड्स काफी मजबूत है, इसका ढक्कन वगैरह की क्वालिटी भी मेरे को काफी अच्छी लगी। और ये मैट फिनिशिंग में आता है, तो ग्लॉसी फिनिशिंग नहीं है, तो स्क्रेच वगैरह नहीं पड़ेंगे, और ऊपर कुछ दाग वगैरह वो नहीं रहने वाले इतने ज्यादा। और कलर भी इसके मेरे को काफी पर्सनली बताऊं तो काफी अच्छे लगे। और चलिए अब एक बड्स के बारे में और क्या ही बात करेंगे। तो चलिए गाइस, ओवरऑल इस बड्स को 10 में से मैं 8 नंबर देना चाहूंगा, 10 out of 8। चलिए गाइस, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नया चैनल सपोर्ट जरूर करना, भूलना नहीं। चलिए गाइस, चलिए 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 चलते हैं, बाय बाय बाय।